ओम विद्योदाम सम प्रभाम रघुपतिम स्कंदस्थिताम भीषणाम कन्याभीकर बालकेट विलसत दस्ता विरासेविताम हस्तै चक्र गदाशिकेट विशिकाम चापम गुणम थरजनिम विभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा ग्रहों का योग, अयोग मकर राशि वालों समझ लो। मकर राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ये जो अप्रैल का मध्य काल है बड़ा ही विशेष है, समझिए। नव संवत आरंभ हो चुका है 2081 काल नाम का संवत है और हर संवत में एक राजा होते हैं अलग से और एक मंत्री होते हैं, उनके कोषाध्यक्ष होते हैं, जलेश अलग होते हैं, वित्तेश अलग होते हैं, तो हर प्रकार से। और राजा का महत्व तो बड़ा विशेष होता है। और आपकी राशि के अनुसार समझ लें कि आपकी राशि का संबंध शनि के साथ है, मंगल के साथ भी है, मंगल राजा है। आपकी राशि में मंगल आकर उच्च के हो जाते हैं, यानी मकर राशि में दशांश पर मंगल पूर्ण उच्च के हो जाते हैं और शनि महाराज यहाँ अपने घर में स्वगृह हो जाते हैं। आमतौर पर शनि मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती। शास्त्र कहता है कि विशेष तौर पर कि सम सप्तक शनि भौम भव और साथ साथ अथवा एक ही संग, या तो समसप्तक हो या एक संग हो, प्रजा कष्ट पावे अति, अभी एक साथ हो। लेकिन मकर राशि में ये योग दिक्कत नहीं होती है। मकर राशि में क्योंकि दोनों शुभत्व आपको प्राप्त हो चुके हैं और ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए शनि मंगल की युति जो है वो कई प्रकार से कष्ट को निवारण करने का योग बनाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ग्रहों का योग अयोग आपके लिए कैसा बनता दिखाई दे रहा है आपको सही रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए और परिवर्तन का योग अपने जीवन में शुभ हो, लाभ हो, उसके लिए अच्छे से व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग आपके लिए क्या खेल करके रच रहा है इसमें ध्यान रख ले। राजा क्योंकि मंगल हो गए हैं इस वर्ष में, वित्तीय वर्ष में संगल मनी जंग जो शनि मंगल की युति भी चल रही है, आपकी राशि के अनुसार से यदि देखा जाए तो द्वितीय भाव में ये युति बनी हुई है। तो ऐसे में क्या प्रभाव उत्पन्न होगा? द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव विशेषतर मारक भाव माना जाता है। तो उन सब के अनुसार से ग्रहों का योगायोग क्या कह रहा है आपके लिए आप सुंदर तरीके से समझने का प्रयास करें। यदि हम 11 अप्रैल की बात करें तो विशेष तौर पर तृतीया तिथि है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की ग्रह तृतीय नवरात्र चल रहा है, गुरुवार का अवसर है और वृषभ राशि में सुबह 8:43 पर चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। और ये चंद्रमा का प्रवेश वृषभ राशि में जो होने वाला है आपके लिए अनुकूल अच्छा दिखाई देता है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग बना हुआ था पिछले 2 दिनों में, वो काफ़ी अच्छी उन्नति के योग बना ही रहे थे और ऐसे में बृहस्पति के साथ से निकलकर चंद्रमा पंचम भाव में जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन का योग, लाभ का योग है और इसके द्वारा आपके बहुत सारे कार्यों में जो लाभ लोग अड़चन आने का प्रयास करेंगे उतना ही नुकसान कराएंगे। तो आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, सुंदर होगा, अच्छे आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। बस क्लैश से मत बचिएगा, झगड़े में मत फंसिएगा। ऐसे में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए माँ चंद्र घंटा तृतीय नवरात्र है, माँ चंद्र घंटा की आराधना करने का प्रयास करें और साथ साथ मत्स्य जयंती भी है। भगवान विष्णु ने आज मत्स्य रूप में अवतरण लेकर आदि काल में समस्त संसार को कष्टों को निवारण करने का सुंदर प्रयास किया, संसार की रक्षा करी थी। प्रलय के काल में भगवान मत्स्य अवतार के रूप में उपस्थित हुए थे और राजा के समस्त लोगों को, ऋषियों को, सप्त ऋषियों को सब प्रकार से रक्षा कर संसार का बीज रोपण रखने की रक्षा करने के लिए सुंदर कार्य किया था। रवि योग विद्यमान है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 12 अप्रैल के दिन तिथि जो है चतुर्थी का अवसर है, शुक्रवार का अवसर बन रहा है साथ साथ और ऐसे में भद्रा का विद्यमान होना बड़ा विशेष संबंध स्थापित करता है। दोपहर को करीब करीब 1:11 तक भद्रा विद्यमान रहेगी जो सूर्य उदय से आरंभ होगी, उससे पहले ही आरंभ हो जाएगी। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए बचना चाहिए इस काल में। दोपहर को 1:11 के बाद रवि योग का निर्माण भी होगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और चतुर्थ नवरात्र है, कुष्मांडा देवी की आराधना करने का अवसर है, गणेश जी की आराधना करने का अवसर है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का ध्यान करते हुए कष्टों का निवारण करने का योग बनाएं। ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, आपके लिए अच्छी है और साथ साथ मित्रता नई बनती दिखाई दे रही है, लेकिन मित्रों से टूटने की स्थिति बन सकती है आपके अनैच्छिक क्रोध के कारण से। शांत होकर काम करने का प्रयास करें। इस समय बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में आपकी राशि के अनुसार से चल रहे हैं और साथ साथ बुध जो है वो द्वितीय भाव तृतीय भाव में सूर्य के साथ और साथ साथ राहु के साथ शुक्र के साथ योग बना रहे हैं। यदि आप अपने जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास कर काम करेंगे ना, जीवन साथी से क्लैश नहीं करेंगे, जो लोग विवाहित हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। लेकिन सूर्य वहाँ बैठे हुए एग्रेसिव हो रहे हैं और वो अननेसेसरी कुटकुट कराने की स्थिति बना रहे हैं, तो शांत होकर उनकी बात सुनने का प्रयास कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।
13 अप्रैल की हम बात करें तो पंचमी का अवसर है, शनिवार का योग चल रहा है, मिथुन राशि में चंद्रमा पदार्पण कर रहे हैं, थोड़े आपके लिए भारी हो सकते हैं, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की जरूरत है। 12:49 पर छठे भाव में चंद्रमा का जाना अननेसेसरी के स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, थोड़े शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स परेशान कर सकते हैं, आने वाले 2-3 दिन इस प्रकार के योग रहेंगे। खैर चिंता ना करें, नवरात्र का अवसर है, श्री पंचमी का योग है, साथ साथ मेष संक्रांति का योग चल रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति के साथ ये सुंदर योग रहेगा। बृहस्पति अभी उदय है, चिंता ना करें, वो बहुत सुंदर रहेगा, सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य संक्रांति के अनुसार से यदि मकर राशि के संबंध में बात करें तो ये मकान जमीन जायदाद के संबंध में कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो उसके थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है अपने मकान की पूरी तरह से। वैसाखी का अवसर है तो ऐसे में परोपकार का कार्य करने का प्रयास करें, सुंदर तरीके से लोगों का सहयोग करने का प्रयास करें, खिचड़ी का दान करने का प्रयास करें और पीले वस्त्रों का दान करने का प्रयास करें। मेष का रात्रि में करीब करीब 9:50 के आसपास ही संक्रांति का योग बनेगा, साथ साथ रवि योग भी विद्यमान रहेगा और साथ साथ भगवती का जो स्वरूप है श्री पंचमी के दिन स्कंद माता स्वरूप में माँ भगवती का ध्यान करने का अवसर है। विवेकानंद योग आश्रम में हमने सुंदर यज्ञ रखा हुआ है, नवरात्र का जो चल रहा है 9 दिन तक सहस्रचंडी महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, आप उसमें नवरात्र का लाभ भी ले सकते हैं, यज्ञ में भाग लेकर सुंदर तरीके से वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि है, रविवार का अवसर है, स्कंद षष्ठी इसको कहा जाता है, माँ भगवती कात्यायनी देवी का आराधना का अवसर है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सुंदर तरीके इस मंत्र का जप करके लाभ की स्थिति आप बना सकते हैं। रवि योग विद्यमान है, सूर्य परिवर्तित होकर रात्रि में करीब करीब 10 बजे के आसपास परिवर्तन करने का योग बना चुके हैं और चतुर्थ भाव में आपके पदार्पण बृहस्पति के साथ सुंदर तरीके से आसीन हो चुके हैं। पुरुषार्थ वाले भाव में सूर्य राहु की युति चल रही थी, उससे सूर्य निवृत्त होकर उच्च के सूर्य विद्यमान हो गए हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रभाव में इम्प्रूवमेंट होगा, ऊर्जा में इम्प्रूवमेंट होगा और यदि आप नियमित तौर पर कार्य करेंगे, संयमित तौर पर कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन झगड़े बचिएगा। सूर्य शनि की और मंगल की युति अभी भी विद्यमान है जो करीब करीब 23 अप्रैल तक चलनी है, वो अननेसेसरी का कुटुंब में परिवार में कलेश करने का योग देती है, तो उनसे बचते हुए कार्य करना है। अच्छा ये रहेगा सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दें और हो सके तो गायत्री का पाठ करें, अच्छे लाभ के योग बनेंगे। 15 अप्रैल की यदि हम बात करें तो सप्तमी तिथि है, उस दिन सोमवार का अवसर है और कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं चंद्रमा, और ये कर्क राशि में चंद्रमा का जो प्रवेश होगा रात्रि में होगा करीब करीब 9:42 पर, लेकिन उससे पहले पूरे दिन चंद्रमा षष्ठ भाव में आपकी राशि में रहेंगे, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए मौसम बदल रहा है और ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से मकर राशि वालों स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, शत्रु पक्ष थोड़ा हावी है। और देव योग से कालरात्रि का अवसर है, कालरात्रि की स्तवन करने का सप्तम नवरात्र का अवसर जो है वो समस्त प्रकार की जो कष्ट है उनको निवृत्त करने का, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। देखिए जीवन में यदि शुद्ध चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो हमें कष्टों को निवारण करने के लिए भी माँ भगवती का सानिध्य चाहिए और इसलिए दुर्गा सप्तशती के अंदर ये मंत्र विद्यमान है, एकादशवें अध्याय के अंदर इसका हवन करें, पाठ करें। जो शत्रुता मन में भाव रखे हुए हैं वो शत्रुता समाप्त हो जाए, शत्रु समाप्त करने की आवश्यकता क्या है, हमको शत्रुता भाव समाप्त करने की आवश्यकता है। और हम विवेकानंद योग आश्रम में नित्य प्रति इस मंत्र का यज्ञ भी करते हैं और आप उस जो नवरात्र का यज्ञ चल रहा है उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं इन सब कष्टों को निवृत्त करने के लिए। देखिए जीवन है, हर रोज जिस प्रकार से भोजन करते हैं, सांस लेते हैं हर समय, उसी प्रकार से भजन पूजन पाठ इत्यादि की भी नित्य प्रति आवश्यकता होती है। हम लोग ओकेजनली पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है आजकल, कभी कभार जाके पूजा पाठ के, अरे भैया भोजन नित्य करते हो तो भगवान का नाम भी नित्य प्रति चाहिए ना। तो ऐसे नवरात्र के सुंदर अवसर पर आइए विवेकानंद योग आश्रम में उस नवरात्र के सुंदर यज्ञ में। अभी हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कितना बड़ा यज्ञ चल रहा है, उन सबको जुड़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस कष्ट को निवारण करने का हमने सूत्र भी दे दिया आपको, कालरात्रि का भगवती का स्तवन करें। भद्रा विद्यमान रहेगी इस दिन करीब दोपहर को 12:11 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक। तो नया कार्य आरंभ करना हो, रवि योग का लाभ लेना हो तो पहले ले लीजिएगा, उसके बाद योग 12:11 के बाद भद्रा विद्यमान रहेगी तो नया कार्य उसके बाद आरंभ मत कीजिएगा। 16 अप्रैल के दिन अष्टमी का अवसर है, मंगलवार का योग है, मंगलवार और अष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है, महा अष्टमी का अवसर है। कहा जाता है महाअष्टमी का अवसर माँ भगवती महागौरी की आराधना करने का होता है और जो पंच मकानों की आहुति यानी काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष इन समस्त चीज़ों की आहुति, पंच मकार मत्स्य मांस महिष मेष मदिरा इत्यादि इन पंच मकारों को जाने जाते हैं, लेकिन इनका सांकेतिक स्वरूप जो है वो दिखाता है कि इनका अर्थ जो है काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष से ही है।
इनकी आहुति जो देते हैं माँ भगवती को उनके जीवन के कष्ट दूर करने का योग बन जाता है सुंदर तरीके से, तो आप अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास करें। ग्रह योग आपके अनुकूल है, नव शक्ति का संचार करते दिखाई दें, चंद्रमा परिवर्तन करके आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में विराजमान हो चुके हैं और ये नए विचार नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर, तो उस शक्ति का नए इंट्यूशन का बहुत सारे नए आभास होंगे, उन सब का लाभ लेते हुए यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि मन में कोई शोक चल रहा है तो एक दिव्य प्रयोग हम बताने का प्रयास करते हैं। महाअष्टमी जो होती है उस दिन अशोकाष्टमी भी जानी जाती है। कहा जाता है कि अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर यदि मकर राशि वाले सुंदरकांड का पाठ करें तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के शोकों का क्षय हो जाता है। सीता जी ने भी अशोक पर्व जो वृक्ष के नीचे बैठकर इस अष्टमी के अवसर पर हनुमान जी के द्वारा रामकथा का श्रवण किया था और कहा जाता है कि माँ भगवती के समस्त शोक भाग गए थे, दूर हो गए थे। तो आप भी इस समझदिक जीवन में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, भयंकर से भयंकर कष्ट को दूर करने के लिए इस दिव्य उपयोग करने का प्रयास करें। उसी अशोक के पेड़ के, देसी अशोक का पेड़ जो होता है उसके नीचे, एक पेंडुला अशोक होता है एक देसी अशोक होता है, उसके नीचे बैठकर इस सुंदर तिथि में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, रामायण का पाठ कर लें, रामचरितमानस का पाठ कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो सब प्रकार से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ये सुंदर तिथि है, इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 17 अप्रैल का दिन महानवमी का अवसर है, रामनवमी का अवसर है और ये रामनवमी बहुत विशेष है। 550 साल बाद ये सुंदर योग बना है जब भगवान रामलला स्वयं अपने जन्मस्थल पर विराजमान है। पहली रामनवमी है तो अवश्य भगवान का स्तवन करें, यज्ञ करें, उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें, क्योंकि आपके प्रयास से ही, आप सबके प्रयास से ही ये सुंदर दिवस हम सबको देखने का मिला। वह जनमानस के छोटे छोटे एक प्रयास से इतना वृहद आनंददायक अवसर आया है, तो हम सब आनंद से इसका विशेष तौर पर सरावर होकर भगवान का स्तवन करें, भगवान का पूजन करें, उनके स्तवन का पाठ करें। हमने विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा सुंदर रामनवमी का यज्ञ, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, महानवमी का यज्ञ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं आप उसके अंदर। और समस्त कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर यज्ञ आश्रम पर चल रहा है जो पिछले 9 दिन से चल रहा है और इसका पूर्णाहुति का अवसर है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हों। ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर बने हुए हैं बड़े अनुकूल, बहुत सुंदर योग बने हुए हैं, आपके अंदर नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं और माँ भगवती का स्तवन कर आप इस समय को और लाभ के योग बना सकते हैं। तो ओवरऑल ग्रह अच्छे दिखाई देते हैं, बट कुटुंब का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखिएगा। शनि मंगल की युति कुटुंब वाले भाव में है तो वो क्लैश देती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा, परिवर्तन का योग बनेगा। 18 तारीख की दिन बात करें, दशमी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर, सिंह में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है, ये मन में थोड़ी सी वीतरागिता, थोड़ा सा परेशानी मन में उदय कर सकता है, लेकिन लाभ की स्थिति बनेगी, धन लाभ की स्थिति अच्छी दिखाई देती है। तो यानी आपके अंदर थोड़ा सा बंधन महसूस होगा, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी मन थोड़ा बंधा सा रहता दिखाई दे रहा है, उस बंधन की निवृत्ति के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। रवि योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा दिन है, ऐसे में साफ तौर पर विशेष तौर पर ब्राह्मणों की सेवा करें, गौ सेवा करें, पीले वस्त्र धारण करें, ये सुंदर उपाय है, इससे ज्ञान का उदय होगा। कई बार क्या होता है कि बंधन होता है अज्ञानता के कारण से होता है, तो ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन योग पड़ रहा है, केले का दान कीजिए, केसर का उपयोग कीजिए, ये सुंदर उपाय कीजिएगा। देखिए सब बने बनाए खेल ग्रह अच्छे बने हुए हैं, लेकिन मन को थोड़ा सा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो इस भाव का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखें, 17, 18, 19 अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है, ये मूल के अंतर्गत आते हैं, मूल गणमूल के अंतर्गत। यदि किसी जातक का जन्म इसमें हो रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, और कई बार हम आपको अवगत कराते हैं यदि आपकी राशि में, आपकी जन्मपत्री में ये मूल नक्षत्र विद्यमान है अश्लेषा और मघा, तो ये तिथियां हैं जिनमें आप अभी भी मूल शांति करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जन्म काल में करा ली, तो अगर बाद में नहीं कराई है और उसके कारण से कई बार जीवन में कष्ट चलता है तो अब करा लीजिए, उससे कुछ ना कुछ कष्ट दूर होने के योग अवश्य बनेंगे, देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए। 19 तारीख का दिन एकादशी का अवसर है, शुक्रवार का योग है और कामदा एकादशी, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है, यानी जो हर चीज़ को कामना के रूप में की जाती है। कहा गया शास्त्र में कन्वन्यवाधिकार हस्ते माँ फलेशु कदाचन, कर्म करें लेकिन इच्छा ना रखें कि ये इसका ऐसे ही फल मिलेगा, पता नहीं कौन सा कामनाएं संसार का परम कामना होगी ही अवश्य, ऐसा बिना निस्वार्थ भाव से कोई कर्म कर ही नहीं सकता है इस संसार में। सुर नर मुनिजन की रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तो ध्यान रखें कामना एकादशी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए है और ऐसे में सबसे बड़ी कामना होती है धन की प्राप्ति। शुक्रवार के दिन ये एकादशी पड़ी है, यदि श्रद्धा के साथ माँ भगवती लक्ष्मी का और श्री विष्णु का यज्ञ आप श्री सूक्त के द्वारा करें
तो देखिए ये मनोकामना सिद्धि का अद्भुत योग बनता है। महर्षि के द्वारा बनाए गए ये सुंदर मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मर्मगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। ये पूरे 16 मंत्र हैं, इसके 2 मंत्र मैंने आपको सुनाए। यदि इनका यज्ञ श्री सूक्त का यज्ञ नित्य इस समय में कर लें इस योग में, तो अद्भुत प्रकार से कामनाओं के सिद्धि के योग सुंदर तरीके से बनेंगे। ग्रह आपके अनुकूल हैं, लेकिन मन के शोक को दूर करने का प्रयास करें। 19 तारीख का योग है जो वो है अप्रैल, 19 अप्रैल का एकादशी का साथ साथ जो योग बन के चुका उसका ये समय लाभ लेना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि उस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, जो सुबह 6:47 से लेकर रात्रि में 8:40 तक रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए अगली तिथि चुनेगा वो अच्छी है, क्योंकि उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। 20 अप्रैल का दिन परिवर्तन का दिन है, बुध ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध उदय होने जा रहे हैं, और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से बुध का उदय होना सुंदर रहेगा। मैनेजमेंट को बढ़ाने वाला रहेगा, आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाला रहेगा, नव शक्ति का संचार करने वाला रहेगा, परिवार में सामंजस्य बिठाने वाला रहेगा। लेकिन बुध थोड़े कमजोर हैं तो उसके लिए उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय क्या किया जाए? गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय को पालक खिलाएं, हरी चीज़ों का दान करें। ये सब सुंदर उपाय कर आप इन ग्रहों के परिवर्तन का लाभ ले सकते हैं, अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए जन्मपत्री में जो योग हैं विभिन्न प्रकार से, हम उन सब से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं गोचर के प्रभाव के अनुसार से। ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, इन सब में ग्रहों के गोचर प्रभाव को, चाहे वो जन्म राशि के अनुसार से है, चाहे वो लग्न के अनुसार से है, चाहे वो नाम राशि के अनुसार से, चाहे वो सूर्य राशि के अनुसार से, कई प्रकार से ज्योतिष के इन विषयों को आप समझ सकते हैं प्रभाव होगा। यदि सूर्य की राशि, यदि आप ज़ोडियक साइन की बात करते हैं, यदि उसमें आपकी ये है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं हमारी राशि के प्रभाव को। यदि आपकी चंद्र राशि के अनुसार से उसको भी देख सकते हैं। लग्न यदि आपका स्पेसिफिक यही है जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका फलीभूत होने का योग बना सकता है। और तो इन सब पद्धतियों से आप हमारे इस राशि फल को गोचर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन गोचर तो एक प्रभाव है और वो बहुत प्रत्यक्ष भी है, लेकिन मूल सिद्धांत किस प्रकार का है? आप अपने जीवन में कौन से स्तर पर हैं? पहली पैड़ी पर हैं, 10वीं पैड़ी पर हैं, 100वीं पैड़ी पर हैं, 1000वीं पैड़ी पर हैं, 1 लाखवीं पैड़ी पर हैं, तो उसके अनुसार से प्रभाव होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि राशि में आपने 12 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, 12 हिस्सों में बांटा, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बांटा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग स्तर पर है, तो उसका प्रभाव अपने स्तर के अनुसार से होगा। तो आप उसको बृहद रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी दशाएं, महादशाएं, जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, षठवर्ग, षोडश वर्ग, इन सबको बहुत अच्छे से देखकर, जन्मपत्री का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर आपके बहुत सारे आगे आने वाले समय को जाना जा सकता है और कष्टों को दूर करने का योग बनाया जा सकता है। यह हमारा संस्थान बहुत सारे कार्य इस प्रकार से लगातार कर रहा है, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में, पराविद्याओं के संबंध में। यह आश्रम करीब करीब पिछले 60-70 सालों से लगातार योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पराविद्याओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है हमारा आश्रम। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम। हमारे पिताचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 1960 के दशक में ये कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई। 100 बेड का पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो भारत सरकार के पैनल पर भी है, और विभिन्न बीमारियों में बहुत सुंदर तरीके से जनता के लिए लाभ का कार्य कर रहा है। कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, शुगर में, किडनी डिसऑर्डर्स में, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो बहुत सारे विभिन्न सरकार के पैनल्स पर भी है और उन वहाँ सब भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मुद्राओं के संबंध में, आपने देखा होगा कि ये विभिन्न मुद्राएँ जो हैं वो हमारे आश्रम के द्वारा ही इस पूरे विश्व में पहुँचाई गई हैं। आज जो भी लोग हैं हमारी इन मुद्राओं के द्वारा, चाहे वो हृदय रोग की ये मुद्रा है, 3 सेकंड में मृत संजीवनी मुद्रा फर्स्ट एड देने का काम करती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, जबरदस्त मुद्रा है। ये मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज है। गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मुद्रा, पहली मुद्रा ऐसी है कि बिल्कुल हल्का स्लाइटली टच लेकर आप हाथ ऐसे रख लें, जेब में रख लें, बिल्कुल किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा, आपको यूरिन संबंधी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो अपान मुद्रा, ये ऐसी अद्भुत मुद्राएं। और तो और आपके ग्रह प्रभावों को ठीक करने के लिए, यदि बृहस्पति आपका कमजोर है तो आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके अपने बृहस्पति को, नई आवश्यकता आपको किसी नग की, नई आवश्यकता किसी और चीज़ की, इसको आप मुद्रा कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। शनि आपका यदि अनुकूल नहीं चल रहा है, शनि के कष्ट चल रहे हैं, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग हमने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राओं के द्वारा भी, ये पराविद्या का भाग है, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर,
बहुत सारी 85 पुस्तकें आश्रम से प्रकाशित की गई हैं। आप सब उन सब का अध्ययन कर कर आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और हर वैसे तो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, आप सब लोग हर रविवार को उस यज्ञ में पधार सकते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ विशेष तौर पर चल ही रहा है, जो पूरे 9 दिन तक सहस चंडी के रूप में यज्ञ विद्यमान रहेगा। माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, जो मुल्तान से पीताम्बरा भगवती का श्री विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा एक व्यक्ति लेके आए वहाँ से ट्रंक में बंद करके 1947 में, और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंदिर में आश्रम में माँ भगवती का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है, चमत्कारी श्री विग्रह है। और उन्हीं के सानिध्य में ये नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ पिछले अनेक वर्षों से सुंदर तरीके से सब लोग के साथ सम्मिलित प्रयास से किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसकी पूरी विधि आप फोन नंबर्स पे जान सकते हैं। और इस प्रकार के सुंदर कार्य आश्रम पे लगातार चलते रहते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का सुंदर कार्य किया जाता है। लगातार महीने में कम 10 से 15 भंडारे जनमानस के लिए व्यवस्था की जाती है। हॉस्पिटल आपको बताया ही चल रहा है, और बहुत सारे कार्य संस्थान के द्वारा, विवेकानंद योग आश्रम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान के संबंध में तो हम आपके साथ लगातार वीडियोस के माध्यम से आश्रम पे लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त कर कर विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ मंत्र इत्यादि का सानिध्य, बहुत सारी समस्याएं, कोई स्वास्थ्य की संबंध है, महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान, बहुत सारे रुद्राभिषेक इत्यादि आप सब लोग कई व्यवस्था। हाँ, एक और, बहुत सारे लोग पितरों की समस्या से ग्रसित होते हैं, पितर परेशान कर रहे हैं, पितरों को आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था हमने अपने आश्रम पर रखी हुई है। आप अपनी अमुक तिथि पर अपने पितर के निमित्त तर्पण, यज्ञ, यदि आप विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि यज्ञ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलते ही हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सुंदर, सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का आश्रम में व्यवस्था चलती ही है। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के माध्यम से ये स्थापित किया गया, और आज हम उसी प्रयास में हम आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को अपने आश्रम के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।